जय हिंद। आप देख रहे हैं एबीसी हिंदुस्तान और मैं हूं कुमार बबलू। तो साथियों, जैसा कि देख रहे हैं कि इलाहाबाद में अभी दो हत्याकांड हुआ है कि हत्या की गई है, उसके बारे में जानने के लिए मैं आ चुका हूं दीवानी कचहरी में। यहां पे अधिवक्ता बहुत से मौजूद हैं जिनसे हम बात करेंगे कि किस वजह से उनकी हत्या हुई और क्या क्या उसके पीछे साजिशें थी। तो देख पा रहे हैं कि सारे अधिवक्ता बैठ के यहाँ पर विरोध कर रहे हैं, आज कोई काम नहीं चल रहा है पूरे कचहरी में। तो पहले हम बात कर लेते हैं, सर लोग बैठे हुए हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का एबीसी हिंदुस्तान चैनल में। हाँ बताइए सर, किस वजह से आज कचहरी में विरोध देखने को मिल रहा है? 2005 में राजू पाल जी की हत्या हुई थी, वो उस समय सिटिंग विधायक थे, तो उन्हीं के गवाह मुख्य गवाह थे उमेश पाल जी, और उन्हीं की हत्या हुई है जो अधिवक्ता समाज से ही थे, उन्हीं की गवाही चल रही थी, ट्रायल में था सारा प्रक्रिया, उनकी हत्या हुई है और उनके गनर थे संदीप निषाद जिनकी हत्या हुई। और ये हत्या वास्तव में बहुत दुखद है और पूरे अधिवक्ता समाज पे इसका गहरा असर पड़ा है, उसी को मद्देनजर रखते हुए पूरे अधिवक्ता समाज ने उसका विरोध कर रहे हैं। तो क्या लग रहा है, इंसाफ मिल पाएगा पीड़ित जो परिवार के लोग हैं? हम लोग सड़क पर उतरेंगे, हमारे समाज की बात है, अधिवक्ता अगर सुरक्षित नहीं रहेगा तो न्याय कैसे मिलेगा? न्याय के लिए अधिवक्ता ही तो खड़ा होता है, उसके पास है क्या? बिल्कुल सही बात है सर, अगर अधिवक्ता को इस प्रकार से सड़क पे मार दिया जाएगा तो ये बहुत बड़ी बात है। तो सर क्या कहेंगे आप? ये सब बहुत गलत हो रहा है और सरकार को इस पर सोचना चाहिए कि जो अधिवक्ता कचहरी में दूसरे को न्याय दिला रहा है, उस अधिवक्ता की कोई सुरक्षा नहीं है, उसको जो चाह रहा है उसको कहीं भी चारा मार दे रहा है। तो ये सरकार को सोचना चाहिए, हमको क्या मिल रहा है, ना आप हमारी कोई सुरक्षा कर रहे हो, ना कोई पेंशन लागू किए, होता है कि यहाँ पास हो रहा है, गजट हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, कुछ नहीं। आज आम आदमी बाहर जाकर अभिव्यक्ता को मार दे रहा है, इसका मतलब अभिव्यक्ता सुरक्षित ही नहीं है। आम आदमी जब अधिवक्ता करने सुरक्षित हैं तो आम आदमी सोच सकते हैं कि क्या सुरक्षित होंगे। और हम बात कर लेते हैं, यहाँ पे सीनियर अधिवक्ता मौजूद हैं। सर क्या नाम है आपका? बेनी माधव शुक्ला मेरा नाम है। और सर, जो अभी ये हत्या हुआ है उसके बारे में क्या कहेंगे? उसके बारे में मुझे यही कहना है कि ये जघन्य अपराध है, इसको जघन्य अपराध की श्रेणी में लिया जाए। एक अधिवक्ता दिन दहाड़े उसको गोली मारा जाता है और उसके गनर के वो साथ गनर भी मार दिया जाता है, अधिवक्ता भी गोली मार दिया जाता है। संदीप निषाद गनर का नाम था, अधिवक्ता का नाम उमेश पाल था। अच्छा, ये सही है कि उमेश पाल एक मर्डर केस में मुलजिम थे? अरे वो वकील थे, अरे वो थे गवाह थे, इसलिए उनको जो है मार दिया गया कि गवाही न दे सकें। तो अगर अधिवक्ताओं के प्रोटेक्शन की यही स्थिति है कि कोई सुरक्षित है ही नहीं, तो हम न्याय कहाँ से दिला पाएंगे? हमारे लिए भी कोई सुरक्षा की व्यवस्था सरकार को सोचनी होगी, और बिना सोचे बिना किए हमारा क्या प्रोटेक्शन? हमको निश्चित तौर पर हमको सुरक्षा मिलनी चाहिए, और अगर ये सरकार इस पर नहीं करती है तो हम सड़क पर उतरेंगे, और हम लोग इसके लिए जब तब तक हम उस सड़क पर रहेंगे जब तक कि हमको कोई व्यवस्था नहीं दी जाती। सर और कुछ मांगे भी है आप लोगों की? जी, सब सर्वप्रथम तो हमारी मांगे ये हैं सरकार से कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट जो है तत्काल प्रभाव से लागू किया जाए, उसमें कहीं कोई गुंजाइश होने की सवाल ही नहीं है, उस पर कोई समझौता नहीं हो सकता है। भाई, हम ये चाह रहे हैं कि अधिवक्ता अगर सुरक्षित होगा तभी समाज के सभी तबके के जो लोग हैं सुरक्षित रहेंगे, और तत्काल प्रभाव से जो भी मृतक परिवार है उनको एक मुआवजा राशि मिलनी चाहिए, एक सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए जिससे वो अपना भरण पोषण कर सकें, और तत्काल प्रभाव से जो राजू पाल जिनकी हत्या हुई थी उनकी वाइफ जो पूजा पाल है उनका भी ट्रायल लखनऊ में चला CBI द्वारा, तो उनको भी सुरक्षा तत्काल प्रभाव से मिलनी चाहिए क्योंकि उनके जान पर भी खतरा है। अभी तक पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगा है, ये प्रशासन मूक दर्शक बनी पड़ी है, और 9 शूटर जो हैं घूम रहे हैं खुलेआम। अब देखिए आने वाला समय क्या होता है, अब लग रहा है कि क्या होगा, अब जब तक पकड़े नहीं जाए तब तक क्या कहा जाए। हम सरकार से यही मांग करते हैं कि जो प्रक्रिया आप अपनाते रह रहे हैं, तमाम देश विदेश नाम रहा है गोरखपुर का, चाहे UP का या हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का, वो अपने नाम के अनुरूप काम करें और जल्द से जल्द अपराधियों को पकड़ें और इस दिशा में कार्य करें। क्या लग रहा है सर, अगर पकड़ी जाएंगे तो इनकी भी गाड़ी पलटेगी? नहीं, लोकतंत्र में गाड़ी पलटने की ऐसी बात नहीं है, वो लाइटर नोट में भले से कहा जाए, लेकिन जो न्यायपूर्वक जो प्रक्रिया अपनाई जाती है उसके तहत ही कार्रवाई होगी। गाड़ी पलटना या कुछ और भी करना वो हंसी मजाक की अलग बात है, लेकिन हम अधिवक्ता हैं, जिम्मेदार व्यक्ति हैं, हम हमेशा संविधान और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही पालन करेंगे,
और ऐसे अपराधों का निराकरण कोर्ट के द्वारा, ट्रायल के द्वारा, जो संविधान में जो विधि में लिखा है उसके द्वारा ही हो सकता है, उसके द्वारा ही जो प्रक्रिया अपनाई जाएगी वही किया जाएगा जी। तो साथियों, आप लोगों ने देखा कि अधिवक्ताओं की इस मर्डर पे क्या विचार थे, उन सभी विचारों को हम आप तक पहुंचाने का पूरा प्रयास। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे, और वीडियो को शेयर नहीं किया है तो वीडियो को शेयर भी कर देंगे। फिर मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।